कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों द्वारा उनका जोरदार नारेबाजी और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, इसके बाद अब हमें प्रगति और विकास के मुद्दे की ओर आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति समाप्त, देश विहित, देश में अमन चैन, देश में सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण सदैव हो, ये हर भारतीय की कामना है। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने ले लिया है, उसका हम लोग सभी को सम्मान करना चाहिए, उसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। और इसी के साथ मैं मानता हूँ कि अब देश के जो अहम मुद्दे हैं प्रगति के, विकास के, उस पर हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस निर्णय का हम लोग सब स्वागत करते हैं और अब आगे की पहल हम शुरू। अयोध्या मामले में दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर मीडिया द्वारा सिंधिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे किसी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वहीं जब सिंधिया से मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं जनसेवा और सेवा भाव के लिए काम करता हूं, किसी पद के लिए नहीं। मैं कभी भी किसी और के मुद्दे पर मैं जवाब नहीं दूंगा। मैंने तो सदैव कहा है, आप लोगों से मैंने पिछले 17 वर्षों में कहा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरी कोई सोच विचारधारा कभी भी कोई लाल बत्ती या किसी कुर्सी के साथ नहीं होती, सेवा के साथ होती है। जनता के लिए तत्पर होकर उनकी सेवा में लगने की सोच और विचारधारा होती है। और कोई भी पद होता है हर जनसेवक के लिए, वो एक केवल सेवक सेवा का माध्यम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मीडिया द्वारा जब महाराष्ट्र की स्थिति पर सवाल किया गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनमत एक गठबंधन के लिए आया था, बीजेपी और शिवसेना का, लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हो रही है बहुत विचित्र है। और आज मैं मानता हूं कि क्योंकि महाराष्ट्र के साथ मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात भी हैं, महाराष्ट्र में एक सरकार स्थापित होना बहुत महत्वपूर्ण है और बातचीत अब चल रही है, कोई निष्कर्ष पर हम लोग जल्दी पहुंचे, यही मेरी कामना है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को भी एक सरकार जल्द से जल्द स्थापित होकर वहाँ भी कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ होना चाहिए।